औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको हमारे स्कॉलर्स भी जो अंधेरे में रखे इंसानों को आज टेक्नोलॉजी से प्रूफ कर सकते थे, और मैं मरे जा रहा हूँ 11 साल से टेक्नोलॉजी की बात करते हुए। कोई मेरी बातों पे ध्यान इस वास्ते नहीं देना चाहता कि इंसान को आखिरत की तलाश नहीं चाहिए। आखिरत की तलाश सिर्फ कुरान दे सकता है। आपको हर तरह से अल्लाह ताला इशारे दे रहा, जैसे रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन कुरान में सूरह रहमान में कहा अल्लाह ताला, दो मशरिक दो मगरिब। इसका जो खुलासा यह है कि अगर अमेरिका में रात है तो यहाँ एक मशरिक है, यहाँ एक मगरिब है, यानी यहाँ दिन भी चढ़ता है रात भी आती है। यही वो बात है। अब इंडिया में अंधेरा है क्योंकि मैं इंडियन हूँ, इस वास्ते इंडिया की मिसाल दूंगा। अब वहाँ रात है, वहाँ दिन चढ़ता है और रात आती है। दो मशरिक दो मगरिब का जो है खुलासा आपको पूरी दुनिया के वर्ल्ड वाइड ग्लोबली और पूरी दुनिया के जो रकबे के हिसाब से है और दिन और रात के हिसाब से है और उसकी मौजूदा टाइमिंग्स के हिसाब से भी जो फ़र्क है, वो अल्लाह ताला दो मशरिक और दो मगरिब में आपको पूरा बॉटम पॉइंट इंसान को देगा कि सिर्फ अल्लाह ने दुनिया का पूरा नक्शा बनाने के बाद अपने हाथों से बनाया। इस वास्ते वो बताया उन्होंने दुनिया, लेकिन उसने दुनिया इतनी बड़ी जो बनाई उसमें ये बताया कि कहीं पर जो है लावा है, आतिशफिशा वाल्केनो है, कहीं पर गर्म पानी भी है, ऐसे जगह भी है। कई जगह जो है आपको समंदर मिलेंगे, जो दुनिया के दरियाएं समंदर, इसमें जो कश्तियां चलती है पूरी दुनिया में, ये पानी की जो है फ्रेश आपको तरोताज़ा देता है अल्लाह ताला। आप देखो ज़मीन पर गिरता है, ज़मीन तो गंदम रंग की होती है लेकिन मैला नहीं होता, शफाफ पानी होता है, आपको पाक साफ जमजम देता है। इसी ज़मीन से आपको जो है दुनिया में बता रहा, पहाड़ों को उसने ये ज़मीन में ठहराया बैलेंस के लिए, और अल्लाह ताला आसमान और ज़मीन को ऐसे खोला बिग बैंग में, मालूम होगा आपको। तो ये सारी बातें निशानियों की अल्लाह ने दो मशरिक और दो मगरिब में पूरी दुनिया के टाइमिंग्स, पूरी दुनिया में कहाँ अंधेरा होता है, जैसे आइसलैंड है वहाँ पर 22-20 घंटे का जो है दिन होता है, सिर्फ 2-4 घंटे की रात होती है। या रशिया की तरफ जाएंगे आप, 2 महीने अंधेरा होता है, वहाँ दिन नहीं रहता, सूरज नज़र नहीं आता। उसी तरह अमेरिका जाओ, रशिया आखिरी हिस्सा है दुनिया का, तो अमेरिका आखिरी हिस्सा है जहाँ पर, यहाँ भी जो है रात ही रात दिन नज़र नहीं आने वाली जगह भी है, और ये दुनिया के आखिरी हिस्सा है। यहाँ जहन्नुम का तबक है जैसे मालूम होता है। यहाँ पर कई चीज़ें आसमान में उड़ने वाली समंदर के अंदर गर्क हो जाती है, गायब हो जाती है। तो इंसान को एक तो वाल्केनो से बताया, पानी से बताया, फ्रेश एयर से बताया, फिर आपको जो है जलजले से बताया, और जो है तूफानों से बताया, आपको आंधी के ज़रिए बताया, और आपको पहाड़ों के ज़रिए अल्लाह का दीन बताया। ये सारी बातें सिर्फ दो मशरिक और दो मगरिब का हवाला आपको बाइबल में नहीं मिलेगा, तौरात और साम में नहीं मिलेगा, जबूर में नहीं मिलेगा। इस वास्ते कि जबूर और तौरात सिर्फ अल्लाह ने बनी इसराइल को दिया, पूरी दुनिया को नहीं दिया, सिर्फ कुरान पूरी दुनिया के लिए दिया। इस वास्ते आप ना तो गीता में ना वेदास में ये दो मशरिक और दो मगरिब का डिटेल ढूंढ सकते हैं। अल्लाह किसी किताबों में जो है मात देने के लिए कुरान के अंदर वो बात दे दी कि हमने अपने हाथों से ये पूरी ज़मीन और आसमान 6 दिन में बनाए, और वो कैसे बनाया आप सोचो। इतना बड़ा खुदा पूरी दुनिया पर है, हिंदू का खुदा सिर्फ इंडिया तक है, बुद्धिस्ट का खुदा एशिया तक है, क्रिश्चियनों का खुदा यूरोप तक है, ये मुमकिन है क्या सोचो। यहूदियों का खुदा सिर्फ इज़राइल तक है, ये मुमकिन है क्या देखो। इनके अगर से खुदा होते जैसे मैकडॉनल्ड पूरी दुनिया में छा गया, KFC पूरी दुनिया पर है, सबवे पूरी दुनिया पे है, यहाँ तक कि स्टारबक पूरी दुनिया पे है, यहाँ तक कि बिजनेस के चेन जो चाइना के है या फिर अमेरिका के गुड्स जो बनाते इनके भी पूरी दुनिया पर है,
आज इंसान पूरी दुनिया पे बिजनेस कर रहा, आज पूरी दुनिया पे कंट्रोल करना चाह रहा जैसे अलेक्जेंडर करना चाह, आज पूरी दुनिया के अंदर एक बात ऐसी भी मालूम हो रही कि ये किंग है ब्रूस ली मार्शल आर्ट का, ये बॉक्सिंग का किंग है मोहम्मद अली। इस तरह से ये जो लीडर है सिर्फ अपनी अपनी गली के कुत्ते हैं, जैसे अभी अल्लाह अजाब दे के बताया आपको इसराइल का प्राइम मिनिस्टर या सदर जो भी है उसको निकाल दिया गया। ये अल्लाह ताला अजाब दे के बताया, डोनाल्ड ट्रंप दंदनाते फिर रहा था, अल्लाह इसको हटा दिया। अल्लाह अजाब दे के बता रहा इंडिया में कई एंकर्स मर जाने, कई लीडर मर जाने। अल्लाह अकबर, आपको समझना है, अल्लाह अकबर, ये दुनिया ख़त्म पे है, आप समझना है। अल्लाह अकबर।